नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस, आज के इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पशु को कहीं करंट लग जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप पशु में क्या कर सकते हैं, जो प्राथमिक उपचार है, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत चिकित्सा जो है आप क्या कर सकते हैं अपने पशु में, तो ये जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो पशुपालक भाइयों, हमारे जो पशु होते हैं कई बार वो गौशाला में होते हैं, ठीक है, और गौशाला में हमने जो है बिजली का कनेक्शन दिया होता है, ठीक है, और कई बार जो है बहुत बड़ा फार्म होता है और बीच बीच में जो है वहाँ पर जो है बिजली भी होती है, ठीक है, तो कहीं पर भी जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हमारे जो पशु हैं उनको जो है करंट लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, और मनुष्य को भी करंट लग सकता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, जब पशु को करंट लगता है, ठीक है, तो एकदम जब पशु को कहीं करंट लग जाता है तो पशु जो है काफ़ी मूवमेंट करता है, काफ़ी हिलता है, क्योंकि उसको जो है काफ़ी दर्द भी उस टाइम होता है, ठीक है। तो गाइस, इस स्थिति में अब आप क्या कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये देखें कि पशु को जो है करंट किस चीज़ से लगा हुआ है, यानी कि कहीं खंबा है बिजली का वहाँ से लगा हुआ है, या फिर किसी तार से, या फिर आपके गौशाला में कहीं से। तो सबसे पहले हो सके, अगर आपको पता है वहाँ के बिजली कनेक्शन का, तो सबसे पहले वो जो बिजली कनेक्शन है उसको आप ऑफ कर लें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जानवर काफ़ी बड़ा होता है और आप अकेले पशु को जो है उस स्थान से नहीं घसीट सकते, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं खींच सकते, क्योंकि पशु का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए सबसे पहला यही है कि आप जहाँ भी मेन स्विच है उसको बंद कर लें और जितना जल्दी हो सके बिजली विभाग को जो है संपर्क करें, ताकि वो आकर जो है, और इसी के साथ जो पशु चिकित्सक हैं उनको भी जल्द से जल्द संपर्क करें, ताकि वो पशु की ट्रीटमेंट कर सकें। अब दोस्तों, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने ये देखना है कि पशु क्या मूवमेंट कर रहा है करंट लगने के बाद, या फिर वो बिल्कुल गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कहीं पशु करंट में ही तो नहीं है, यानी कि पशु को लगा हुआ है, और नज़दीक ये चेक कर लें कि कहीं पानी तो नहीं है, लोहे की रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो आप हो सके तो किसी सूखी लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पशु को जो है चेक करना चाहते हैं, पशु को जो है बड़ी सी सूखी लकड़ी लीजिए, उससे पशु का जो है मुँह को ही लाइए, ठीक है, आँख को चेक कीजिए दूर से ही, इससे पता लग जाएगा कि पशु की क्या मूवमेंट है, क्या पशु सांस ले रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि पशु में जो है करंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इस स्थिति में अब आप क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों, एक तो आपके पास मोबाइल है तो पशु चिकित्सक को सबसे पहले कॉल करें, और आपको क्या करना है कि पशु को जो है मालिश देनी है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर रक्त स्राव हो रहा है तो आपके पशु को जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट देनी है, वहाँ पर आप अगर नीम के पत्ते हैं तो नीम के पत्ते लगाएं, अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर घर में पेस्ट अवेलेबल होता है तो पेस्ट जो है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, कुछ ना कुछ तो आपको अपने पशु को जो है उस पशु को करना है जिसको जो है करंट लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर दोस्तों अब मैं मेडिसिन की बात करूं, तो दोस्तों आप जो है पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अपने पशु को जितना जल्द हो सके जो है, अगर पशु को आप डेक्सामेथासोन का जो इंजेक्शन लगवा देते हैं इंट्रामस्कुलर, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर एकदम से पशु को करंट लगा है तो पशु जो है सदमे में भी जा सकता है, ठीक है, और उसका जो हार्ट रेट है वो भी रुक सकती है, उसके दिमाग को भी असर हो सकता है, ताकि पशु सदमे में ना जाए। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, और उस पशु को
आप 15 से 20 ml, अगर बड़ा जानवर है तो 15 से 20 ml उस पशु को जितना जल्दी हो सके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दीजिए, और इसी के साथ पशु को BCOM-L यानी कि बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन दे दीजिए, ताकि पशु को जो है लीवर जो है उसका सही रहे। लीवर एक्सट्रैक्ट का ये इंजेक्शन होता है और पशु को ताकत भी देता है, ठीक है। तो आप अपने पशु को जो है इस इंजेक्शन को दीजिए, BCOM-L और ठीक है फ्रेंड्स डेक्सामेथासोन, ये दो इंजेक्शन हो गए और इंट्रामस्कुलर जो है ये दोनों इंजेक्शन लगते हैं। अब दोस्तों आपका पशु जो है बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो जाएगा, और दोस्तों पशु की मालिश कीजिए आप, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने आसपास के लोग वहाँ पे बुलाइए और पशु को हो सके तो तेल से मालिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, पशु के पूरे शरीर को मालिश कीजिए, पशु को बैठाइए ताकि पशु को थोड़ा सा जो है आपको जो है उसकी मालिश करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और एकदम से जो है आपको भी घबराना नहीं है, आपको भी अपना दिमाग का बिल्कुल सही से है यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो करंट की वायर है उससे आपको जो है दूर रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसके बाद आप अपने पशु को लीवर टॉनिक भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि पशु को ताकत की ज़रूरत होती है। तो लीवर टॉनिक 52 दे सकते हैं, विडाकाइंड कंपनी के काफ़ी सारे जो है ये लीवर टॉनिक आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप अपने पशु को जो है दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों पशु चिकित्सक को जितना जल्दी हो सके वो आप करें, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो नीम के पत्ते होते हैं, अगर पशु को करंट लग जाता है तो नीम के पत्ते जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं। आपको उस हिस्से में यानी कि पशु को जो है नीम के पत्ते सुंघाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोस्तों काफ़ी कारगर जो है फार्मूला है, जो नीम के पत्ते हैं वो जो है आपने जो है पशु के नाक के आगे रखनी है और उनको जो है सुंघाना है, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा जानवर है, कैसा भी जानवर है, तो आपको जो है नीम के पत्ते पशु को सुंघाने हैं अगर कहीं से जल्द से आपको मिल जाते हैं। और फिर अगर वेटनरी डॉक्टर पहुंच जाता है तो फिर वो अपने हाथ हिसाब से जो पशु की ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे को आ रहे थे कि पशु को अगर करंट लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों एक बिल्कुल घरेलू सा नुस्खा मैं आपको और बताऊँ, तो जो गुलजे होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो गिलोय होती है, उनको बेल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उनका जो है रस निकालना है और अपने पशु को उस गिलोय जो बेल होती है उसका रस पिलाना है। ये भी काफ़ी कारगर नुस्खा है अगर आपके पशु को कहीं करंट लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ही कम वीडियोस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आपके पशु में करंट लग जाता है तो आप ये सब कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, पशु को जितना ज़्यादा हो सके जो है ताकत वाली चीज़ें खिलाइए, ठीक है, जिससे कि आपके पशु जो है काफ़ी स्ट्रांग रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें, और वेटनरी क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।